अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एम स्कूल्स। गाइस, आज की वीडियो में हम वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी बापटा का जूनियर इंजीनियर जो इलेक्ट्रिकल का पेपर है उसका पार्ट टू डिस्कस करेंगे। तो पार्ट वन के अंदर हमने पिछली वीडियो के अंदर पार्ट वन को डिस्कस किया था। पार्ट वन के अंदर हमने जनरल नॉलेज, इस्लामिक स्टडीज़ और इंग्लिश से रिलेटेड एम सी क्यूज़ को डिस्कस किया था। आज हम टेक्निकल पोर्शन जो है पार्ट टू, सब्जेक्ट रिलेटेड जो एम सी क्यूज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो जिन स्टूडेंट ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सकें। तो काफ़ी क्वेश्चन हैं, जल्दी से इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है जी, क्वेश्चन नंबर 11, 10 तक आपने पिछली वीडियो के अंदर सॉल्व किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 11 है, द मैग्नेटिक मटेरियल यूज इन टेम्परेरी मैग्नेट्स। तो टेम्परेरी मैग्नेट्स होते हैं उनके अंदर मैग्नेटिक मटेरियल कौन सा यूज़ किया जाता है? हार्डन स्टील, ऑप्शन बी में कहता है कोबाल्ट स्टील, ऑप्शन सी में कहता है सॉफ्ट आयरन, ऑप्शन डी में कहता है टंगस्टन स्टील। तो जो टेम्परेरी मैग्नेट्स होती हैं उनके अंदर कौन सा हमारे पास मटेरियल यूज़ किया जाता है, इसको आपने याद रखना है। ये PTS के से प्रीवियस पेपर के अंदर भी ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो इसमें हमारा राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी, सॉफ्ट आयरन। अगर परमानेंट मैग्नेट का कहा जाता तो इसमें जो राइट आंसर बनता है हार्डन स्टील। तो उसने टेम्परेरी मैग्नेट्स का पूछा है तो इसमें राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, सॉफ्ट आयरन इज यूज्ड। तो सॉफ्ट आयरन को हम टेम्परेरी मैग्नेट्स के अंदर यूज़ करते हैं, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास, 12 क्वेश्चन, द मेन एडवांटेज ऑफ टेम्परेरी मैग्नेट इज दैट वी कैन, फिर दोबारा टेम्परेरी मैग्नेट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो टेम्परेरी मैग्नेट का जो मेन एडवांटेज हमें क्या रहता है जब इसको हम यूज़ करते हैं, तो इसका क्या है हमारे पास मेन एडवांटेज रहता है? ऑप्शन ए में कहता है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज द मैग्नेटिक फ्लक्स यूज द एनी मैग्नेटिक मटेरियल, ऑप्शन सी में कहता है डिक्रीज द हिस्टेरेसिस लॉस, या फिर इनमें से कोई ऑप्शन नहीं। तो जो जब भी हम टेम्परेरी मैग्नेट्स को यूज़ करते हैं तो उसका हमारे पास जो मेन एडवांटेज रहता है कि हम उसको टेम्परेरी मैग्नेट के अंदर हम फ्लक्स को चीज़ चेंज करना हमारे लिए बहुत ईजी होता है। तो ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर बनता है, वी कैन ईजिली चेंज द फ्लक्स बाई यूजिंग द टेम्परेरी मैग्नेट्स, ऑप्शन ए इज़ अ राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लेकिन जो परमानेंट मैग्नेट होता है उसके अंदर हम फ्लक्स को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन है, द करंट कंडक्शन थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। ये क्वेश्चन भी NTS के प्रीवियस हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के पेपर में आ चुका है। तो इसमें जो करंट कंडक्शन होती है इलेक्ट्रोलाइट के अंदर वो किस वजह से होती है? बाई फ्री इलेक्ट्रॉन्स, आइंस, एटम्स, या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका आपने याद रखना है ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर बनता है, द करंट कंडक्शन थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बाय द आयंस, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 क्वेश्चन में कहता है द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस रिक्वायर। तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस जो बैटरीज के अंदर होता है उसमें कौन सी हमारे पास सप्लाई रिक्वायर्ड होती है? तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस जितनी भी बैटरीज हैं हम वहाँ पर DC सप्लाई को यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस के लिए। तो बैटरी की चार्जिंग डिस्चार्जिंग ये चीज़ें होती है DC सप्लाई यूज़ होती है। तो ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर बनता है, DC सप्लाई इज यूज। काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये, तो ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर बनता है, इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस के लिए हम DC सप्लाई को यूज़ करते हैं, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, तो यहाँ पे गलत दिखा हुआ बी, लेकिन ए आपने याद रखना ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पर ए इज़ द राइट आंसर, DC सप्लाई यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, पॉजिटिव चार्ज एटम इज सम कॉल्ड हैज। तो जो पॉजिटिव चार्ज एटम होता है उसे हम सम टाइम क्या कहते हैं? डोनर एटम, एक्सेप्टर एटम, केटाइन, या फिर एनाइन। तो इसमें राइट आंसर बनता है हमारा ऑप्शन सी। तो पॉजिटिव चार्ज आइटम को हम सम टाइम केटाइन कहते हैं, ऑप्शन सी जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसके ऊपर हम सम टाइम इसे केटाइन भी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी केमिस्ट्री का ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दो किस्म के एलिमेंट्स को हम सर्किट के अंदर यूज़ करते हैं, एक एक्टिव एलिमेंट होता है, एक एलिमेंट हमारे पास एक्टिव होता है और दूसरा पैसिव एलिमेंट होता है। एक्टिव एलिमेंट जो होता है वो सर्किट को एनर्जी सप्लाई करता है, जो पैसिव एलिमेंट होता है वो उसके ज़रिए हम एनर्जी को हम रिसीव करते हैं। तो वो एनर्जी को रिसीव करता है एक्टिव एलिमेंट, हमें उसके लिए कोई हमें एक्टिव एलिमेंट एलिमेंट जो होता है उसके लिए हमें एक्सटर्नल सोर्स रिक्वायर्ड होता है, लेकिन पैसिव एलिमेंट के लिए हमें कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं रिक्वायर्ड होता, उसके हम सर्किट में लगा देते हैं वो ऑटोमेटिक कंडक्ट करता है। एक्टिव एलिमेंट के लिए हमें एक्सटर्नल सोर्स देना लाजमी होता है। तो एक्टिव एलिमेंट जो है वो एनर्जी को सप्लाई करता है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इससे पिछले को टेस्ट के अंदर जो हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई का जो पेपर था उसके अंदर पैसिव एलिमेंट के बारे में क्वेश्चन आया था। अब इस क्वेश्चन के अंदर बापटा के एक्टिव एलिमेंट के बारे में पूछा गया, वो एनर्जी को सप्लाई करता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए, सप्लाई द एनर्जी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन में कहता है द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द नेगेटिव चार्ज।
तो जो नेगेटिव चार्ज होता है उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड वो इनवर्ड होती है, आपने याद रखना है ये, इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड उसके क्रॉस होती है। अगर पॉजिटिव चार्ज की बात की जाए उसके हमारे पास जो है वो आउटवर्ड होती है, पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड, पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड और नेगेटिव चार्ज के लिए रेडियल और इनवर्ड, रेडियल और इनवर्ड ऑप्शन सी हमारा जो है वो राइट आंसर बनता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये, इलेक्ट्रिक फील्ड बारे में से एक क्वेश्चन था ये। एटीन नंबर क्वेश्चन था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, या बहुत स्केलर एंड वेक्टर है, इस तरह का क्वेश्चन है कि जो हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के पेपर में आया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पूछा गया था, इस बार उसने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पूछा है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, ऑप्शन ए इधर राइट आंसर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात की जाए तो वो वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, ऑप्शन ए इज़ अ राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19 की पावर फैक्टर एट रेजोनेंस, रेजोनेंस के ऊपर हमारे पास जो एक्स एल जो है वो की कंडीशन बनती है, हमारे पास एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी के इक्वल हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास सर्किट के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट रहता है रजिस्टर, ये दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाते हैं, कैंसिल होने की वजह से हमारे पास एक एलिमेंट जो है वो रजिस्टर में बह जाती है, इस वजह से हमारा जो पावर फैक्टर होता है वो यूनिटी हो जाता है, ऑप्शन सी इज़ अ राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, 20 क्वेश्चन में कहता है दी एप्लीकेशन दी कैपेसिटेंस है पैरेलल प्लेट कैपेसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन, तो कैपेसिटेंस है कैपेसिटी हमारी मीडियम के ऊपर, मीडियम बिटवीन दी प्लेट्स और सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स और एरिया ऑफ दी प्लेट्स के ऑपर डिपेंड करती है, ये मेटल प्लेट्स के ऊपर, मेटल ऑफ द प्लेट्स के ऊपर डिपेंड नहीं करती, तो इसमें ये काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, ऑप्शन डी इसमें हमारा राइट आंसर बनता है, डज नॉट डिपेंड अपॉन द मेटल ऑफ द प्लेट्स, ये प्लेट्स के एरिया पर डिपेंड करती है लेकिन मेटल ऑफ द प्लेट के ऊपर डिपेंड नहीं करती, तो ऑप्शन डी इज़ अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है, इन ऑर्डर टू इनलार्ज द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वन शुड इनिशिएट द प्लेट्स ऑफ हीट, अगर हम कैपेसिटेंस की कैपेसिटेंस को इनलार्ज करना चाहिए तो हम करना चाहते हैं तो हमें कौन सा मटेरियल जो उसमें इंसर्ट करना चाहिए उसके प्लेट्स के दरमियान, तो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल कौन सा हम उसमें इंसर्ट करेंगे, मीका, टिन, कॉपर, स्टेनलेस स्टील, तो इसमें हमारा जो राइट जो बेस्ट मटेरियल यूज किया था मीका, मीका को इंसर्ट करके हम उसकी कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर सकते हैं, ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 ये क्वेश्चन जो है बेसिकली इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी वीके मैथा की जो बुक है उसमें से ये क्वेश्चन आए हैं, वहाँ से मैंने क्वेश्चन को लिया है, तो क्वेश्चन में कहता है द मटेरियल यूज फॉर द कोर ऑफ द गुड रिले शुड हैव हिस्टीरेसिस लूप, कौन सा मटेरियल यूज होता है कोर ऑफ द गुड रिले के लिए, ऑप्शन ए में कहता है लार्ज वेरी लार्ज हिस्टीरेसिस लूप बनता है, वो कौन किस तरह का बनता है, हिस्टीरेसिस लूप लार्ज हो जाता है इस तरह से कर्व कोई बनता है हिस्टीरेसिस लूप का, उसका वो हिस्टीरेसिस लूप का जो कर्व होता है वो लार्ज होता है मिनिमम होता है या क्या होता है, तो इसमें आपने याद रखना ऑप्शन सी राइट आंसर बनता है नैरो, तो हिस्टीरेसिस लूप का जो कर्व बनता है वो नैरो होता है, ऑप्शन सी इसमें हमारा राइट आंसर बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है थोड़ी जल्दी से इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, द मैग्नेट ऑफ एटी रिक्वायर्ड फॉर ए गैप इज मच ग्रेटर देन दैट ऑफ द रिक्वायर्ड फॉर द आयरन, आयरन से ज़्यादा ग्रेटर द पार्ट मैग्नेटिक सर्किट बिकॉज, तो इसलिए क्यों होता है क्योंकि एयर एयर की जो हमारे पास लोएस्ट रिलेटिव परमेबिलिटी होती है, बिकॉज एयर हैज़ दी लोएस्ट रिलेटिव परमेबिलिटी, तो इस क्वेश्चन में हमारा राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी, जो सेकंड ऑप्शन बन रहा है ऑप्शन बी, एयर हैज़ दी लोएस्ट रिलेटिव परमेबिलिटी, तो ऑप्शन बी इसमें हमारा राइट आंसर बनता है। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, द रिलक्टेंस मैग्नेटिक सर्किट वराइज हैज़, तो जो रिलक्टेंस होती है मैग्नेटिक सर्किट की लेंथ इनटू एरिया होती है, एरिया बाई लेंथ होती है या लेंथ बाय एरिया होती है या फिर लेंथ स्क्वायर बाय एरिया, तो इसमें हमारा जो बेस्ट ऑप्शन बनता है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी द राइट आंसर, टू एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ, एल एल डिवाइडेड बाय ए, इसमें रिलक्टेंस इज इक्वल टू लेंथ ओवर एरिया, तो इसका हमारे पास जो इक्वेशन बनती है ऑप्शन बी इसमें हमारा राइट आंसर बनता है। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25 में क्वेश्चन में कहता है व्हेन मैग्नेट इज हीटेड इट गेन्स द मैग्नेटिज्म इट लूज द मैग्नेटिज्म इट नीदर गेन और लूज द मैग्नेटिज्म, या इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, तो जब भी मैग्नेट को हीट किया जाता है तो मैग्नेटाइज किया जाता है उसको, मैग्नेट जो होती है जब उसको हीट किया जाता है तो हीटिंग के वजह से हमारे पास जो उसका जो मैग्नेटिज्म को ये लूज कर जाता है, तो इट लूजेज द मैग्नेटिज्म, ऑप्शन बी हमारा जो है वो राइट आंसर बनता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी इज़ अ राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास, द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द
तो इसमें हमारे पास इक्वेशन बनती है, इसकी आपने देखी होगी एक बुक के अंदर इक्वेशन बनती है हमारे पास, उस रिलेशन से आप देख सकते हैं जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है रिलेटिव प्रोबेबिलिटी की, ए इज इक्वल टू ई नॉट एप्सिलॉन नॉट ओवर डी, इस तरह कोई इक्वेशन बनती है, सी इज इक्वल टू ए, सी इज इक्वल टू ए ई नॉट डिवाइडेड बाई डी, सही याद नहीं है मुझे लेकिन इस तरह की आप देख सकते हैं ये इक्वेशन होगी, वो तो कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है इसके कैपेसिटेंस रिलेटिव प्रोबेबिलिटी की, डायरेक्टली प्रोपोर्शन बनती है, तो ऑप्शन ए हमारा इसमें राइट आंसर बनता है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। 27 क्वेश्चन में कहता है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस एंड इक्वी पोटेंशियल सर्फेस, तो जो इलेक्ट्रिक कंस्टिट्यूट अ पैरेलल नेटवर्क, कंस्टिट्यूट अ म्यूचुअली परपेंडिकुलर नेटवर्क, या नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, आर एट इन एंगल ऑफ 45 विद ईच अदर, तो इसमें हमारा जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी, जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस एंड इक्वी पोटेंशियल सर्फेस कंस्टिट्यूट अ नॉर्म कंस्टिट्यूट अ म्यूचुअली परपेंडिकुलर नेटवर्क, तो ऑप्शन बी इसमें हमारा राइट आंसर बनता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है, 27 क्वेश्चन में कहता है इफ द रिलेटिव प्रोबेबिलिटी ऑफ मीडियम इज इंक्रीज, अगर मीडियम की हम रिलेटिव प्रोबेबिलिटी को अगर इंक्रीज कर देते हैं, बल्कि रिलेटिव परमिटिविटी की बात कर रहा है, रिलेटिव परमिटिविटी को अगर इंक्रीज कर देते हैं मीडियम की, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट द पॉइंट ड्यू टू द गिवन चार्ज इंक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, या फिर रिमेन सेम रहेगी, तो इसमें हमारा जो राइट आंसर बनता है तो हमारा ऑप्शन वो डिक्रीज हो जाएगी, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अगर रिलेटिव परमिबिलिटी परमिटिविटी को इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास जो इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो डिक्रीज कर जाएगी, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, क्वेश्चन नंबर 20, इफ ए यूनिट चार्ज इज टेकन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, हमारे पास कोई भी एक यूनिट चार्ज है उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर अगर हम प्लेस करते हैं, तो अनदर ओवर एक पोटेंशियल सरफेस, देन वर्क इज डन ऑन द चार्ज, वर्क इज डन बाय द चार्ज, वर्क ऑन द चार्ज इज कॉन्स्टेंट, तो इसमें जो राइट आंसर मतलब नो वर्क इज डन, ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर है, ये वीके मेहता की बुक है इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी की, वहाँ से ये क्वेश्चन आए हैं, तो इसमें हमारा राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी, कोई वर्क डन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गाइज, क्वेश्चन नंबर 30, द निकल आयरन बैटरीज आर यूज इन, तो निकल आयरन बैटरी लेड की बैटरीज भी होती हैं, निकल आयरन बैटरीज भी होती हैं, तो निकल आयरन बैटरीज के बारे में ये क्वेश्चन है, इनको यूज़ किया जाता है स्टार्टिंग ऑफ द कार इंजन, हॉस्पिटल्स हैज इमरजेंसी सप्लाई, तो इनको ज़्यादातर सब मरीन्स होती हैं, वन अंडर वाटर सब मरीन्स जो हैं उनके अंदर इनको यूज़ किया जाता है, तो हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट के लिए, तो ऑप्शन थ्री इसमें जो हमारा है ऑप्शन ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, तो 30 क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी, तो ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है ऑप्शन, आप बल्कि ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, रेलवे का रेलवे के अंदर हम इसे यूज़ नहीं करते, सिर्फ सब मरीन्स के अंदर यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 है, इफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट H2SO4 ने एसिड सेल इंक्रीज, स्पेसिफिक ग्रेविटी का अगर हम इंक्रीज करते हैं ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो यूज होता है H2SO4 लेड एसिड बेसिक के अंदर ये यूज होता है, तो इसकी वजह से हमारे पास जो इंटरनल रेजिस्टेंस के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, वो रिमेन सेम रहे अनचेंज हो जाएगी या फिर इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, तो इसमें हम स्पेसिफिक ग्रेविटी के अगर जो इलेक्ट्रोलाइट की जिस पे स्पेसिफिक ग्रेविटी उसको अगर हम बैटरी लेड एसिड बैटरी की अगर इंक्रीज कर देते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी के इलेक्ट्रोलाइट की, तो उसमें इसकी वजह से हमारे पास जो है इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, तो ऑप्शन डी ऑप्शन हमारे पास सी राइट आंसर बनता है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 32, हालो चार्ज स्फीयर डज नॉट प्रोड्यूस द एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हालो चार्ज स्फीयर जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता है एट द इंटीरियर पॉइंट्स के ऊपर, वो प्रोड्यूस नहीं करता, तो ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, तो डज नॉट प्रोड्यूस द, तो गाइस 32 क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर बनता है, 32 क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इंटीरियर पॉइंट के ऊपर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो प्रोड्यूस नहीं होती इंटीरियर पॉइंट पे, तो ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर बनता है। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन है, द फ्यूज़ वायर हैज़, तो फ्यूज़ वायर होती है उसकी जो रेजिस्टेंस की बात की जा रही है, तो फ्यूज़ वायर की हमारे पास जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस काफ़ी हाई होती है, इसी वजह से वो करंट को ब्लॉक कर देती है, और मेल्टिंग पॉइंट जो उसका लो होता है उसी टाइम वो विद इन सेकंड मेल्ट हो जाती है, हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, तो ऑप्शन ए इसमें हमारा गाइज राइट आंसर बनता है, 33 क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो गाइज ये काफ़ी लंबी वीडियो हो गई, जल्दी से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 34 है, विच इज़ द वट इज़ इम मेटेरियल फॉर द फ्यूज़, तो इसमें राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी लेंथ, इम मेटेरियल फॉर द फ्यूज़ इज लेंथ, ऑप्शन इस किसकी लेंथ होती है, तो ऑप्शन सी इसमें गाइज हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारे पास,
35 क्वेश्चन है, अ कांस्टेंट वोल्टेज इज अप्लाइड बिटवीन द टू एंड्स ऑफ यूनिफॉर्म पैरेलल मेटालिक वायर, सम हीट इज डेवलप्ड इफ द बोथ लेंथ एंड रेडियस आर हॉल्ड थ्रू एन, लेंथ और रेडियस का अगर हम हॉल्ड कर देते हैं तो हीट जो डेवलप होगी उसकी ड्यूरेशन किस तरह होगी वो भी इज हाफ हो जाएगी। तो ऑप्शन ए गाइस हमारा इसका राइट आंसर बनता है, क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 में कहता है, 36 क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फैन इन हीटर वार मार्क्ड 100 वाट एंड 220 वोल्ट, 1000 वाट एंड 220 वोल्ट फैन और हीटर की हमारे पास इसकी रेटिंग दी गई है, रिस्पेक्टिवली द रेजिस्टेंस ऑफ हीटर इज, तो इसको पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर वाले फार्मूले से निकाल के हम इनकी रेजिस्टेंस को फाइंड करेंगे। तो इसमें आपने इसको फाइंड कर लेना है, तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, द रेजिस्टेंस ऑफ हीटर इज लेस देन दैट ऑफ फैन, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स आर प्रेफर्ड, तो तमाम मटेरियल जो ऑप्शन में गिवन है ये सारे, इनमें से तीन ऐसे मटेरियल जो हाई फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशन के लिए इनको प्रेफर्ड किया जाता है, इनमें से एक मटेरियल जिसको प्रेफर्ड नहीं किया जाता वो एक्सेप्ट दी बुटाइल रबर, तो ऑप्शन बी इसमें हमारा राइट आंसर है। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 में कहता है, द पोलर डाई इलेक्ट्रिक इज नॉर्मली यूज फॉर, तो पोलर डाई इलेक्ट्रिक को नॉर्मली हम डीसी पावर फ्रिक्वेंसीज के लिए यूज किया जाता है, तो 38 क्वेश्चन में हमारा जो राइट आंसर ऑप्शन सी डीसी पावर फ्रिक्वेंसीज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है, विच आर द फॉलोइंग इज अ पोलर डाई इलेक्ट्रिक, तो इनमें से कौन सा है जो पोलर डाई इलेक्ट्रिक का, टेलीफोन, क्वार्ट्स, नाइलॉन या पोलीथाइलीन, तो ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर नाइलॉन इज द पोलर डाई इलेक्ट्रिक। अगर नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक की बात करें तो वो उसमें हमारा जो राइट आंसर बनता है पोलीस्टाइरीन, ये हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग का जो चैप्टर है होंडा की बुक में वहाँ से ये क्वेश्चन आए, तो इसमें राइट आंसर बनता है पोलर डाई इलेक्ट्रिक नॉइलॉन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गाइज, क्वेश्चन नंबर 40 में कहता है, विच आर द फॉलोइंग इज नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक, तो अभी मैंने आपको बताया इज अ पोलीस्टाइरीन, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर बनता है। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 क्वेश्चन है हमारे पास, टेम्परेटी इन लिक्विड डाई इलेक्ट्रिक हैज सिग्निफिकेंट इफेक्ट इन रिड्यूसिंग द ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ इज, तो इसमें जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी इज अ मॉइस्चर जो है उसकी ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ जो होती है उनको वो रिड्यूस करता है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, ऑल द गुड मटेरियल शुड हैव ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो गुड इसमें तमाम प्रॉपर्टीज जो हमारे पास जो डाई इलेक्ट्रिक है उसकी इसमें प्रेफर बिल्कुल उसकी अच्छी प्रॉपर्टीज हैं, बाकी इनमें से एक प्रॉपर्टी की है वो डाई इलेक्ट्रिक लॉस जो है वो उसको एक्सेप्ट द डाई इलेक्ट्रिक लॉस, तो ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज हैव गुड प्रॉपर्टीज ऑफ द डाई इलेक्ट्रिक, गुड डाई इलेक्ट्रिक की जो प्रॉपर्टीज होती हैं इसमें जो एक्सेप्टेबल नहीं है वो हमारे पास जो हाई डाई इलेक्ट्रिक लॉस इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ द गुड डाई इलेक्ट्रिक, तो ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 क्वेश्चन में कहता है, द वराइटी ऑफ पेपर यूज फॉर द इंसुलेशन पर्पज, तो इंसुलेशन पर्पज के लिए जो पेपर हम यूज करते हैं उसे हम क्राफ्ट पेपर कहते हैं, तो ये तमाम हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग में से क्वेश्चन है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पास 44 क्वेश्चन में कहता है, टेस्ला कॉइल इज अ हाई फ्रिक्वेंसी रेजोनेंट ट्रांसफार्मर, तो ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनता है, टेस्ला कॉइल इज अ हाई फ्रिक्वेंसी रेजोनेंट ट्रांसफार्मर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गाइज, क्वेश्चन नंबर 45, स्विचिंग सर्ज इज द डैश, स्विचिंग सर्ज हमारे पास जो होती है वो हाई शॉर्ट ड्यूरेशन ट्रांजिट वोल्टेज होती है, ये थोड़े से टाइम के लिए ये अपीयर होती है ट्रांसमिशन लाइन, काफ़ी खतरनाक होती है ये, जिसे हम शॉर्ट ड्यूरेशन ट्रांजिट वोल्टेज कहा जाता है, काफ़ी इफेक्ट करती है हमारी ट्रांसमिशन लाइन को, तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हाई शॉर्ट ड्यूरेशन ट्रांजिट वोल्टेज। तो क्वेश्चन नंबर 46 है हमारे पास, द इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ ऑफ द इंसुलेटिंग मटेरियल डिपेंड अपॉन, तो ये जो इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ होती है इंसुलेटिंग मटेरियल की वो चीज किस चीज़ पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे, नेचर ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज पे, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, तो इन सब के ऊपर ये डिपेंड करती है, तो ऑप्शन डी इसमें हमारा राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव ऑप्शंस आर करेक्ट, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 47, इन अ सर्टन लोडेड ट्रांसफार्मर द सेकेंडरी वोल्टेज इज 1/4 द प्राइमरी वोल्टेज, तो सेकेंडरी वोल्टेज अगर 1/4 हो जाए प्राइमरी वोल्टेज की वोल्टेज के, तो सेकेंडरी करंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो वो 4 times द प्राइमरी करंट हो जाएगा, ट्रांसफार्मर की जो ट्रांसफार्मेशन रेशियो के थ्रू आप इसको निकाल सकते हैं, बता इजी क्वेश्चन है ये, तो ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर है। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, व्हेन द करंट फ्लोइंग थ्रू एन इंडक्टर इज कट हाफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड, तो इंडक्टर के अंदर जो करंट अगर फ्लो करा उसको अगर हम हाफ कर देते हैं तो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो फ्लो करेगी तो वो क्वार्टेड हो जाएगी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो इंडक्टर की जो इक्वेशन है हमारे पास उसको हम इज इक्वल टू 1/2 I² L वाली इक्वेशन यूज करके हम इसको निकाल सकते हैं, तो ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर है। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
49 व्हेन द करंट थ्रू कॉइल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रश, अगर कॉइल के अंदर हम करंट की डायरेक्शन को अगर सपोज करंट की डायरेक्शन अगर ये है, इसको अगर हम रिवर्स कर देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगी उसकी डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। तो इसमें हमारा राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। काफ़ी ईजी क्वेश्चन था ये भी, इसमें राइट आंसर बनता था हमारा ऑप्शन ए, हमारा जो है वो राइट आंसर बनता है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। 50 में कहता है व्हेन द स्पीड ऑफ द कंडक्टर इज मूव्ड थ्रू मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज द इंड्यूस्ड वोल्टेज। तो कंडक्टर की स्पीड को अगर कोई भी कंडक्टर हमारे पास वो मैग्नेटिक फील्ड में अगर मूव कर रहा है उसके स्पीड को हम इंक्रीज कर दें, उसको अगर तेज से हम मूव करें कंडक्टर को उसके जिसकी वजह से उसका ईएमएफ जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। उसके स्पीड को इंक्रीज करने की वजह से हमारे पास जो ईएमएफ जो है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस वोल्टेज जो इंड्यूस ईएमएफ जो वोल्टेज होगी वो इंक्रीज कर जाएगी। तो ऑप्शन ए इसमें हमारा राइट आंसर बनता है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। इफ क्रॉस सेक्शनल एरिया मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज, मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज कर देते हैं तो फ्लक्स अगर रिमेन सेम द फ्लक्स डेंसिटी के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया को इंक्रीज कर दें या फिर उसके अलावा फ्लक्स हमारे पास अगर कांस्टेंट हो तो हमारे पास फ्लक्स डेंसिटी क्या हो जाएगी वो डिक्रीज कर जाएगी। तो ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर बनता है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर ऑप्शन बी, हमारे फ्लक्स डेंसिटी जो है वो डिक्रीज करेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन ऑर्डर टू गेट द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर फ्रॉम अ कैपेसिटिव सोर्स द लोड इंपेडेंस मस्ट बी। तो ये क्वेश्चन भी जो हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का जो पीटीएस का पेपर था उसमें भी ये रिपीट हो चुका है। तो गाइस इसमें हमारा जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, हैव एन इंपेडेंस दैट इज कम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ द सोर्स इंपेडेंस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 53 है द इंडक्टेंस ऑफ आयरन कोर कैल कैन बी डिक्रीज्ड। तो इसको हम डिक्रीज करते हैं बाय डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न। तो नंबर ऑफ टर्न को डिक्रीज करके इसके हम इंडक्टेंस को रिड्यूस कर सकते हैं, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो गाइज आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 द वोल्टेज ड्रॉप। तो वोल्टेज ड्रॉप के बारे में पूछा। वोल्टेज ड्रॉप इज बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के दरमियान जो हमें पोटेंशियल मिलता है उसको हम उसको वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर बनता है। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 फॉर एन इन्वर्टर ऑपरेशन एम्पलीफायर इन्वर्टिंग ऑपरेशन एम्पलीफायर द इक्विवेलेंट आउटपुट रेजिस्टेंस। तो ऑपरेशन एम्पलीफायर के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। तो ऑपरेशन एम्पलीफायर का आपको पता है कि उसकी आउटपुट इम्पिडेंस जो है वो जीरो होती है, इनपुट इम्पिडेंस जो है वो इनफाइनाइट होती है, इसीलिए इसका वोल्टेज गेन बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें गाइस हमारा राइट आंसर बनता है, तो आउटपुट रेजिस्टेंस जीरो होती है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन अदर नेम ऑफ बीटा इन अ ट्रांजिस्टर। तो बीटा जो होता है बेसिकली जो ट्रांजिस्टर का जो बेसिकली उसको हम करंट एम्प्लीकेशन फैक्टर कहते हैं, आई सी डिवाइडेड बाई आई बी जो इसका रिलेशन बनता है इसे हम करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर ऑफ बीजेटी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसमें हमारा राइट आंसर बनता है, ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इधर चलते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द लाइन फील्ड लाइन एंड इक्विपोटेंशियल आर ऑर्थोगोनल, ऑप्शन ए ऑप्शन डी इसमें राइट बनता है क्योंकि उसकी 90 डिग्री बनता है हमारे पास, ऑप्शन डी ऑर्थोगोनल मीन राइट 90 डिग्री। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 58 नंबर क्वेश्चन है। तो स्ट्रीट लाइट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज पैरेलल, बोथ सीरीज पैरेलल या फिर, तो स्ट्रीट लाइट्स में हमारा जो इसमें बेस्ट आंसर बनता है ऑप्शन ए इनको पैरेलल के अंदर कनेक्ट किया जाता है। तो गाइज आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 द कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल। कंडक्टेंस जो बेसिकली रेजिस्टेंस जो इसका रेसिप्रोकल, ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन इसमें हमारा ए इज रेजिस्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द कंडक्टेंस, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन 60, क्वेश्चन नंबर 60। इफ टू इनपुट नेम डेट बोथ इनपुट्स आर हाई, अगर नेम इनपुट की बोथ इनपुट को अगर हम हाई कर देते हैं तो हमारे पास जो आउटपुट बनेगी जो आउटपुट होगी वो लो हो जाएगी। तो नेम इनपुट के अगर गेट की दो इनपुट को अगर हाई किया जाए तो आउटपुट हमारे पास लो हो जाएगी, तो ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर बनता है, ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 61 विच काइंड ऑफ मोटर यूज इन सीलिंग फैन। तो सीलिंग फैन में जो हमारे पास मोटर यूज होती है उसे हम कैपेसिटर मोटर कहा जाता है, ऑप्शन ए कैपेसिटर मोटर, ऑप्शन ए हमारे इसमें राइट आंसर बनता है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर क्वेश्चन है द इनपुट इंपिडेंस ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो अभी मैंने आपको बताया जो इनपुट इंपिडेंस होती है इनफाइनाइट वेरी हाई इनपुट इंपिडेंस, और जो आउटपुट इंपिडेंस होती है वो जीरो होती है, इसमें ऑप्शन ए राइट आंसर बनता है। 63 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास विच वन इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑसिलेटर। तो ऑसिलेटर जो हमेशा उसमें पॉजिटिव फीडबैक जो होता है, तो ऑसिलेटर के अंदर हम नेगेटिव फीडबैक को यूज़ नहीं करते, तो इसमें नेगेटिव फीडबैक इसकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती, तो ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64 है डायोड कैन बी यूज ए फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर। डायोड को फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर के तौर पर यूज किया जाता है बिकॉज ऑफ इस नॉन लिनियरिटी, उसका कैरेक्टरिस्टिक पार्ट जो बनता है वो नॉन लिनियर होता है,
तो नॉन लिनियरिटी की वजह से इसको हम फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लायर के तौर पर इसे यूज़ करते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हो चुके हैं पीटीएस के पास पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर क्वेश्चन है, एट अ वेरी ब्रीफ हाई स्पाइक इन द एसी पावर लाइन, तो इसे क्या कहा जाता है? ट्रांजिट। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर बनता है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, क्वेश्चन नंबर 66, द एडवांटेज ऑफ ऑल वेव रेक्टिफायर इज दैट इज फैक्ट दैट, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी, द आउटपुट वोल्टेज इज हार्डर हार्डर देन इन केस विद अ फुल वेव रेक्टिफायर, तो ऑप्शन इसमें सी हमारा राइट आंसर बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 है, यू जे टी वेन यूज हैज फॉर ट्रिगरिंग, तो यू जे टी के बारे में ऑलरेडी डिटेल कंस्ट्रक्शन, इसके वर्किंग, इसके यूज, तमाम चीज़ों के बारे में वीडियो बना चुका हूँ, तो इसमें राइट आंसर बनता है शॉर्ट हो, तो अगर आपने वो वीडियो देखी होती तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी था, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू वर्क मे डन, तो वर्क डन के लिए हमें सप्लाई एनर्जी लाजमी रिक्वायर्ड होती है, सोर्स या फिर सप्लाई एनर्जी होती है वो रिक्वायर्ड होती है। 69 क्वेश्चन में कहते हैं द रेसिप्रोकल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रेसिप्रोकल उसे हम लेते हैं उसे हम हमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग इज अ पुअर कंडक्टर, तो इसमें हमारे ख्याल से जो राइट आंसर बनता है इन तीनों के अंदर से, इन तीनों में से राइट आंसर है कार्बन, कार्बन इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। तो गाइज आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है, यूरिका हैज़ टेम्परेचर कोफिशियंट, जब भी रिपीट हुआ है उसमें टेम्परेचर कोफिशियंट जो बनता है ऑप्शन वन हमारा राइट आंसर बनता है ऑलमोस्ट जीरो, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो गाइस आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, विच आर द फॉलोइंग सब्सटेंसेस आर द रेजिस्टेंस डिक्रीज विद द इंक्रीजिंग टेम्परेचर, तो जो हमारे पास सेमी कंडक्टर होते हैं उनकी अगर टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाए तो इसके वजह से उनकी रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाती है, अगर मेटल्स की बात की जाए तो उनका टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से उनकी रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो जाती है, लेकिन सेमी कंडक्टर के केस में ये अपोजिट है, सेमी कंडक्टर में टेम्परेचर को इंक्रीज करने से उसकी रेजिस्टेंस वो डिक्रीज हो जाती है, तो इसमें राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए, कार्बन हमारे पास सेमी कंडक्टर मटीरियल है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 73 नंबर क्वेश्चन है, लीनियर सर्किट इज वन हुज, तो लीनियर सर्किट वो होता है जिसके अंदर हम पैरामीटर को चेंज के लिए नहीं किया जा सकता, तो चेंज विद द ऑप्शन इसमें हमारा जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन राइट आंसर हमारा जो इसमें बनता है हमारे पास चेंज इन टेन डज नॉट डू नॉट चेंज विद द वोल्टेज एंड करंट, को चेंज नहीं किया जाता लीनियर सर्किट के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 74 क्वेश्चन है, अनदर नेम फॉर द रियलिटी परमिटिविटी, तो रियलिटी परमिटिविटी का अनदर नेम उसे हम स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी कहा जाता है, ऑप्शन ऑप्शन इसमें राइट आंसर बनता है ऑप्शन थ्री हमारे पास राइट आंसर बनता है स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 75 क्वेश्चन है, द रिलक्टेंस ऑफ द मैग्नेटिक डैश द रिलक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक सर्किट डैश द परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल कंप्राइजिंग द सर्किट, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शन इनवर्सली प्रोपोर्शन, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो आप ये देख सकते हैं इसके फार्मूलाज हैं, तो रिलेक्टेंस जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक सर्किट की, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसका एरिया के से ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल बनती है, तो ऑप्शन बी इसमें हमारा राइट आंसर बनता है। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 76 क्वेश्चन में कहता है मैग्नेटिक मटेरियल यूज फॉर शुड हैव अ लार्ज हिस्टीरेसिस लूप टू परमानेंट मैग्नेट्स, तो ऑप्शन डी इसमें हमारा राइट आंसर बनता है। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 क्वेश्चन है, द मास ऑफ एन एलिमेंट डिपोजिटेड और लिबरेटेड एट द ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस डैश क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक लाइट होगी, तो ऑप्शन ए इसमें हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो गाइज आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 क्वेश्चन है, फिर रिपीट हो गया, तो उसमें ऑप्शन ए इसमें आपको बताया राइट आंसर है। 78 नंबर क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमनली यूज सेल इज, तो जो मोस्ट कॉमनली यूज सेल किया जाता है जो बैटरीज के अंदर यूज होती है लेड एसिड बैटरीज, लेड एसिड सेल यूज होते हैं, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ लेड एसिड सेल इज मेनली ड्यू टू द तो इलेक्ट्रोलाइट की वजह से ही होता है, ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर बनता है, तो ऑप्शन फोर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ लोड लेड एसिड सेल इज ड्यू टू द इलेक्ट्रोलाइट, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 80 है गाइज, द चीफ एडवांटेज ऑफ निकल निकल कैंडियम सेल इज, तो ये भी एक किस्म की बैटरी, एक लेड एसिड बैटरीज होती हैं दूसरी निकल कैंडियम सेल बैटरीज होती हैं, तो इसके जो मेन डिसएडवांटेज है इनकी जो कॉस्ट है बहुत ज़्यादा होती है, वेरी एक्सपेंसिव कॉस्ट है कम्पेयर टू एसिड बैटरीज, तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, वेरी एक्सपेंसिव। तो 81 क्वेश्चन है, एसी सिस्टम इज प्रेफर्ड टू द डीसी सिस्टम, तो एसी सिस्टम को पहला एडवांटेज ये होता है कि हमें लेस लॉसेज होते हैं इन लॉन्ग ट्रांसमिशन, तो जो हमारे पास दूसरा एडवांटेज है इसके हम एसी के मैग्नीट्यूड को इजीली चेंज किया जाता है,
तो ऑप्शन ए इसमें राइट में था एसी मैग्नीट्यूड कैन इजीली चेंज इन मैग्नीट्यूड, तो एसी वोल्टेज को इजीली उसका मैग्नीट्यूड को चेंज किया जा सकता है, तो ऑप्शन ए इसमें हमारा राइट आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 82 डैश विल वर्क ऑनली इन डीसी सप्लाई, तो इलेक्ट्रिक लैंप एसी डीसी दोनों पे करती है, रेफ्रिजरेटर एसी पे करता है, हीटर जो है एसी पे करता है, तो इलेक्ट्रिक प्लेटिंग ऐसी जो है हमारे पास जो है ये ऑनली डीसी के ऊपर वर्क करती है, तो ऑप्शन फोर इज अ राइट आंसर, ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 83 सेमी कंडक्टर जर्मेनियम एंड सिलिकॉन आर टेट्रावेलेंट, जो तो बहुत इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84 फुल वे, क्वेश्चन नंबर 84 में कहता है फुल वेव रेक्टिफिकेशन दी आउटपुट डीसी वोल्टेज अक्रॉस द लोड, तो फुल वेव रेक्टिफायर में हमें जो डीसी वोल्टेज मिलती है वो कंप्लीट साइकिल की मिलती है, एसी की कंप्लीट साइकिल को वो रेक्टिफाई करके देता है, लेकिन हाफ ईयर रेक्टिफायर जो है वो सिर्फ हाफ साइकिल को हमें रेक्टिफाई करके देता है, तो फुल वेग जो है कंप्लीट साइकिल को रेक्टिफाई करेगा, तो ऑप्शन सी कंप्लीट साइकिल ऑफ एसी। तो गाइस आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर क्वेश्चन है हाई पास फिल्टर जो है वो सिर्फ हाई फ्रिक्वेंसीज को पास करता है, तो हाई फ्रिक्वेंसीज में हमारा राइट आंसर बनता था। तो गाइस बाकी हमारी वीडियो इतने ही क्वेश्चन थे मेरे पास, जिन स्टूडेंट के पास के एक्स्ट्रा अलावा जो क्वेश्चन है वो हमें हमारी ईमेल जो है info@kamyabengineer पर जाके ईमेल कर सकते हैं, रिमेनिंग MCQs आप हमें ईमेल कर सकते हैं। तो गाइस जो भी स्टूडेंट SDO जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल जो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के टेस्ट हैं या फिर SDOs के जो टेस्ट हैं उनकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो हमारी वेबसाइट हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसके अंदर तमाम पास्ट पेपर अवेलेबल हैं, अटामिक के भी अवेलेबल हैं, NTS PTS के जूनियर इंजीनियर्स के जो SDOs के तमाम पेपर अवेलेबल हैं। तो इसके अलावा आप ऑनलाइन MCQs की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट kamyabengineer.com पर जाके आप ऑनलाइन MCQs की प्रैक्टिस कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQs हमारी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल हैं। तो गाइज इसके अलावा जो पास पेपर की PDF भी अवेलेबल है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की PDF डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है हमारी वेबसाइट के ऊपर, तो जिन स्टूडेंट ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा हमारे फेसबुक पेज को आप फॉलो करें, उसके ऊपर हमारी अपडेट्स आती रहती हैं। तो गाइज आज की हमारी वीडियो इतनी थी, थैंक यू सो मच।